धन्यवाद, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। रिक्स जोखिम, बिना जोखिम के कोई महान नहीं होता, शुरुआत करते हैं। अभी हमने जाने थे 10 पॉइंट कि रिक्स क्या क्या होते हैं, उनको कैसे संभाला जाता है, और अब रिक्स को कैसे आप दूर कर सकते हैं, उन 5 पॉइंटों में हम सर से जानेंगे। शुरुआत करेंगे एक प्रश्न के साथ। शुरुआत सर, क्या रिक्स में प्लानिंग जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लान करके हर काम को करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका रिस्क फैक्टर्स बहुत डाउन होता है, क्योंकि आप भविष्य में उसके आउटकम को देखते हुए अपने दिमाग को सेट करते हैं और प्लान करते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप रिस्क को बहुत हद तक टाल भी रहे अपनी लाइफ से। अच्छा सर, देखा जाए अगर इरादा है तो खतरा कम रहेगा, और इरादा नहीं तो खतरा ज्यादा रहेगा। बनी सी बात है कि अगर आपके मन में पक्का इरादा कर रहे, इरादे में भी पक्का होना बहुत जरूरी है, तो आपके रिस्क आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत टैलेंट के साथ और पूरे अपने जो रिसोर्सेस है उसका बेटर यूज करेंगे तो रिस्क डाउन होगा। तो एक पक्का इरादा आपके अंदर अगर है तो आप बहुत जल्दी बिना रिस्क के ज्यादा लिए हुए एक बड़ा काम आराम से कर सकते हैं। सर, जिंदगी में जो रिस्क लोग लेते नहीं है, बहुत अच्छा एक विचार है, जो रिक्स लेते नहीं है, जोखिम नहीं लेते हैं, बाद में उनको जब एज निकल जाती है उनको एक पछतावा होता है। तो आज की जो यूथ है वो सुन रही होगी, और वो यूथ कल के दिन उनकी उम्र भले 40-50 साल हो जाए या 60-70 साल हो जाए, तो उनको एक पछतावा ना हो, तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं यूथ को हमेशा से एक सलाह देते रहा हूँ कि आपकी जो यंग एज जो है, इस यंग एज का जितना अच्छा आप यूज कर सके उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। और यंग एज का सबसे बेटर यूज आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने सपनों के लिए कुछ बड़ा दाव खेलें, और दाव भी ऐसा खेलें जो आपके सपनों के तक आपको पहुंचा सके और आपको फ्यूचर में बहुत पावरफुल इंसान बना सके। तो यूथ को ये जो समय बर्बाद करते हुए जो हमें यूथ दिखता है हमारे अपने देश में, हम देखते हैं कितने बच्चे सिर्फ 20-30 साल की उम्र में एक होपलेस जिंदगी जीते हैं, रिस्कलेस जिंदगी जीते हैं और कुछ भी बड़ा सोचते नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 20-30 साल की गोल्डन एज को आप गवाएं ना, आप कुछ नया करने का सोचे, ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन किसी को के पीछे ना चले कि वो ये कर रहा है ये करें, क्योंकि ये लाइफ वो समय है जिसके लिए बुढ़ापे में आप तरसेंगे और फिर तरसने के अलावा आपके पास कोई चांस रहेगा भी नहीं। सर, कहा जाता है कि जिंदगी में जो रिस्क लेते हैं वो 40 साल के बाद ही लेते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? 40 साल तक आपको मेंटेलिटी आपकी डेवलप होती है, वो वाली मेंटेलिटी जो आपको ये समझाती है कि जिंदगी में ये जो फालतू चीजें जिसमें हमने समय बहुत बर्बाद किया उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी क्या होता है, वो 40 तक आपको पता चलता है। और ज्यादातर जितने भी लोग थे उन्होंने 40 के बाद ही अपना जो है वर्चस्व कायम किया। तो आपके दिमाग और आपके हार्ट को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो 40 तक मिलते हैं, उसके दम पे आपके आगे के जो है लाइफ 40 के बाद जो चालू होती है, तो उसमें आप जो है अपने थिंकिंग्स को ज़्यादा बेटर ढंग से पहुंचा सकते हैं, और लोग के बीच में आपकी जो लोकप्रियता वो जरूर बढ़ती है 40 के बाद। सर, अब आप बताइए कि रिस्क को कैसे दूर किया जाता है, दो दो पॉइंट करके। सर देखिए, रिस्क को दूर करना बड़ा ज़रूरी है और रिस्क को अवॉइड करें कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये है, लाइफ में आप गोल जरूर सेट करें, क्योंकि अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि गोल आपकी जिंदगी भी गोल ही गोल घूमेगी। और जितने भी आप देखते हैं कि गोल लेस लाइफ जितने भी लोग देखते हैं उनकी जिंदगी आगे चल के इतनी बुरी तरीके से फंस जाती है कि कई बार वो यही लोग जो है आगे सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, या फिर कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि पूरे परिवार को खत्म कर देते, क्योंकि उन्होंने कभी आने वाले रिस्क की तैयारी नहीं की। तो गोल सेट करें और रिस्क के हिसाब से गोल सेट करें। दूसरा, टाइम मैनेज करें। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि समय अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप ये ध्यान रखिएगा बहुत मुश्किल है आखिर आप अपने लाइफ के रिस्क को कंट्रोल करें, क्योंकि जो लोग आज समय बर्बाद कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी के रिस्क को बढ़ा रहे हैं, कल अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए तो आप अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाएंगे, अपने परिवार को भी आप साथ में ले डूबेंगे। तो टाइम मैनेज करें और बेटर मैनेज करें। सर, रिस्क की एक परिभाषा है, कहा जाए तो मैं आज 2021 में यहाँ हूँ और 2024 में मेरे को यहाँ होना है, ये रिस्क की एक परिभाषा कहा जाए। ये इंसान को ये प्लान करना चाहिए कि मैं आज से 5 या 10 साल बाद कहाँ रहना चाहता हूँ, ये एक जो है प्लान इंसान को सेट करना चाहिए विजन के रूप में। और जिस इंसान ने विजन सेट किया वो इस प्लान को पूरा करने के लिए पूरे रिस्क लेता है,
जिससे वहां तक वो पहुंचने के लिए पूरी जो है रिसोर्सेज का सही यूज करता है। तो आप ये एक विजन बना के चले, मैं 5 साल बाद कहा खुद को देखना चाहता हूँ, और हर दिन मेहनत करें, क्योंकि एक एक दिन की मेहनत से ही आप 5 साल बाद उस पोजिशन या उसके सामने आप पहुंच सकेंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, रिस्क में खुशी की बहुत अहमियत है। अगर आप खुश रहकर जोखिम लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। देखिए, रोते हुए तो कोई भी काम अगर आप करते हुए है तो आप उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। और एक कहावत भी कही गई कि जो इंसान ज्यादा दुखी रहता है, स्ट्रेस से टेंशन में रहता है, उसका खाना तक उसकी बॉडी में लगता नहीं है, और उसका ज्यादातर सर्कल भी बहुत ज्यादा दूर उससे भागता है। तो अगर आप रिस्क लेना है तो खुशी लीजिए, इससे पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी और आप हताश ना हो। रिस्क लेने पर कई बार आपको लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं, पर हताशा निराशा अपने दिमाग जीवन में ना लाए, क्योंकि एक बार में ही कोई बड़ी मंजिल नहीं पाता। 4-5 बार 10 बार आप अगर हार भी गए तो 11वीं बार आप जीतेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े, रिस्क ले और लाइफ को ज्यादा बेहतर बनाने का सोचे। सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर मैं चाहता हूँ कि आप तीसरा चौथा पॉइंट बताएं। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में गुड प्लानर बने। प्लानर यानी आप प्लान बहुत बेहतर बनाएं। प्लान्स को बनाते के समय आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन, अपनी फ्यूचर कंडीशन को बहुत अच्छा एनालाइज करें और सोच समझ के ऐसे प्लान्स बनाएं जिसमें आपके परिवार और आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो एक अच्छा प्लानर जो रहता है वो एक रिस्क से खुद को और परिवार को बचाता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण आप देख पाते हैं जो आपको जो है खेल की इंडस्ट्री में या फिर आप किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज में आप देखते हैं तो ऐसे बहुत अच्छे प्लानर्स आपको मिलेंगे। चौथा पॉइंट, जैसे कि विजन में अभी बात हुई थी, कि आप ये डिसाइड करें कि मुझे आने वाले समय में कहाँ पहुँचना है। आप अगर अपने सामने वो विजन लेके चलेंगे तो आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत खुद बढ़ेगी, और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली वो रास्ते भी आपको दिखेंगे जिससे आप ज्यादा रिस्क ना लेके उस मंजिल तक पहुंच जाए। तो विजन क्लियर रखें, क्योंकि अगर विजन क्लियर नहीं है तो आप एक भटकते आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। और इंसान की जिंदगी, क्योंकि 50-60 तक कई लोग की डेथ भी हो जाती है, कई लोग कब चले जाए कोई नहीं जानता, तो आप ध्यान रखिएगा, समय ना बर्बाद करें, विजन में आज से लग जाए और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करें, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। सर रिक्स में ये भी देखा गया है कि व्यायाम करना बहुत आवश्यक है अर्ली मॉर्निंग। फिटनेस जो है ये की होता है आपके बॉडी और आपके माइंड को तैयार करने के लिए, जरूरी है। और बिना हेल्थ के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ कर लेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और आप सभी यंगस्टर्स जो ये वीडियो सुन रहे हैं, सुबह उठ के व्यायाम करें, योगासन करें, बहुत मेडिटेशन करें, क्योंकि आपके मेंटल और बॉडी में जो टेंडेंसी जो है, जो आपकी फिटनेस है, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको एक केपेबल पर्सन बढ़ाता है। इसलिए जितने भी आज सक्सेसफुल पर्सन हैं वो भी आज योगासन, मेडिटेशन, व्यायाम लगातार कर रहे हैं, तो इसकी जगह अपनी लाइफ में जरूर बनाएं और इसको छोटा ना समझे, क्योंकि रिस्क कैपेसिटी यही बढ़ाती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या सोशल होना रिस्क को आसान करता है? हाँ, सोशल बंदा जो रहता है उसको, क्योंकि बहुत अच्छे कामयाब लोगों से उसकी मुलाकात जल्दी होती है, भले वो सोशल मीडिया में क्यों ना हो, और उनके वीडियोस से, उनके ब्लॉग्स को वो पढ़ते हैं तो उससे उनके काफी कुछ समझ में आता है। तो आप जो है थोड़े से सोशल हो, पर सोशल होने का मतलब सिर्फ दोस्तों के साथ समय ना बर्बाद करें, आप प्रोफेशनल्स को देखें, आप ऐसे लोगों की स्टोरी सुने जो आज कामयाब है और जिन्होंने बेहतर इसको मैनेज किया है। आप वहाँ सोशल हो जहाँ आपको जाना हो। हाँ, और ये है कि आपको सोशल होने के साथ यहाँ पे एक चीज और ये भी ध्यान रखनी है कि आपको वो जो चीजें आप देख रहे हो उसको भी लाइफ में भी आप अप्लाई करें, क्योंकि मात्र सुनने भर से काम नहीं चलता, उसको आप अप्लाई करें, प्रैक्टिकल उसका करेंगे तो आप देखेंगे आपको बड़ा फायदा होगा। सर अंतिम पॉइंट बताइए। सर लास्ट पॉइंट ये है कि आप रिस्क का कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं और जिंदगी कुछ पाना चाहते हैं तो थिंक करें, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएं कि मुझे जिंदगी में एक्चुअली क्या अचीव करना है। हमारे यंगस्टर्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वो जो 3 साल का जो कॉलेज के 3 या 4 साल का जो समय कॉलेज में मिलता है उस दौरान वो अपने दिमाग में थिंकिंग और विजुअलाइजेशन नहीं करते कि मुझे 3-4 सालों में क्या कैरियर प्लेटफॉर्म बनाना है,
जिससे कॉलेज बनाने के कॉलेज से निकलने के बाद डिग्री लेने के बाद मुझे मार्केट में क्या अपने कैरियर को बनाना है। तो अपने दिमाग में थिंकिंग बनाए, विजुअलाइजेशन बनाए, एक ऐसा पिक्चर बनाए जो आप अपने फ्यूचर के साथ देखना चाहते हैं। और यकीन मानिए पिक्चर बनाने वाले ही आज बहुत सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा सर, सर ने बताया, अंतिम पॉइंट से हम लेते हैं कि अगर आप 12वीं पास हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अपने एक लाइफ की पिक्चर बनाए, एक डिजाइन करें कि आपको कहाँ पहुंचना है और इस 4-5 साल में आपको कितने जोखिम लेना पड़ेंगे। जोखिम जरूर आपके 100% ना होंगे, लेकिन 70% अगर आप जोखिम लेके वहां तक पहुंचते हैं तो वही आपकी सफलता है। सबसे संक्षेप में थोड़ा और जानेंगे। रिस्क एक ऐसी आपके एलिमेंट है लाइफ में जिसमें ध्यान रखिएगा, ना आपके पेरेंट्स मदद कर सकते हैं, ना सोसाइटी मदद कर सकती है, ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही कोई आपके आइकन जिसको मानते हो वो मदद कर सकता है। तो आपको क्योंकि रिस्क अपने दम पे लेना है, आपको रिस्क के कारण ही सक्सेस मिलेगी, आपको रिस्क के दौरान फेलियर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन यही रिस्क आपको बहुत बड़ा सक्सेस आगे देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो है आज से रिस्क के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और अपनी जिंदगी में उन सभी चीजों को पाने के लिए भरपूर रिस्क ले, जिन चीजों को पाने के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। हार भी जाए तो मनोमल ना तोड़े और ना ही नेगेटिव और होपलेस हो, क्योंकि आपको होपफुल रह के रिस्क लेना है। और एक दिन जिस दिन आपका दौर आ जाएगा उस दिन आप देखेंगे कि यही रिस्क लेने के कारण मैं आज उन लोगों के पास पहुंच चुका हूं, उन लोगों के बीच में खड़ा हूं जिन लोगों को कभी मैं दूर से देखकर केवल आइकन ही मैं मानता था। तो जिंदगी को व्यर्थ ना करें, मानव जीवन बहुत कम मिलता है, इस जिंदगी में कुछ बेटर कर जाए और अपनी दुनिया में एक नाम और पहचान जरूर हो जाए। अंत में यही कहूंगा, आप अपनी जिंदगी के खुद हीरो हैं। अब आपको हीरो बनना है या विलन, ये आपके रिस्क पर डिपेंड करता है। थैंक यू।